हाय गाइस, मेरा नाम है शक्ति और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अपकमिंग टाटा अल्ट्रोज के बारे में। टाटा अल्ट्रोज टाटा की तरफ से उनकी पहली प्रीमियम हैचबैक होगी इन द इंडियन मार्केट एंड ये गाड़ी टाटा की तरफ से काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। इनफैक्ट अगर आप टाटा की रिसेंट डायरीज देखें तो उनकी सारी गाड़ी काफ़ी अच्छी हो रही है। लाइक वी हैव सीन द टाटा टियागो, नेक्सॉन, हैरियर एंड नाउ दिस द टाटा अल्ट्रोज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी टाटा अल्ट्रोज के बारे में हर एक डील शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट मोटरिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च डेट और प्राइसिंग से। तो हालांकि कंपनी ने लॉन्च डेट कंफर्म नहीं किया है बट लॉन्च मंथ अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि इसी साल अगस्त या सितंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च कर दी जाए। मोस्ट प्रोबेबली इस गाड़ी को अगस्त में शोकेस किया जाएगा एंड फिर इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। एंड प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइसिंग होगी बिटवीन 5 to 8 lakhs एंड ये राइवल करेगी मारुति की बलेनो एंड ह्यूंडई की इलीट i20 को। इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि टियागो से लिया गया है जो कि प्रोड्यूस करता है 85 हॉर्सेस। दूसरा आपको इसमें मिलेगा नेक्सॉन से इंजन जो कि है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 102 पीएस की पावर। एंड तीसरा आपको इसमें डीजल इंजन मिलेगा जो कि होगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि अगेन नेक्सॉन से लिया गया है एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 90 बीएचपी की पावर। तीनों इंजन में आपको मैनुअल तो मिलेगा ही, ऑटोमेटिक की श्योरिटी नहीं है कि लॉन्च के टाइम पे मिले या फिर बाद में मिले, बट आपको ऑटोमेटिक भी आगे चल के जरूर मिलेगा। लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये टाटा की तरफ से एक प्रीमियम हैचबैक होगी एंड इसमें हैचबैक वाले काफ़ी सारे एलिमेंट्स है। लाइक अगर इसका फ्रंट लुक देखें तो काफ़ी अच्छी लग रही है, स्लीक डिज़ाइन है इसमें एंड फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर्स भी मिलते हैं। नीचे का पोर्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल देखें तो वहाँ पर गाड़ी काफ़ी बड़ी लग रही है एंड इसके जो एलॉय के डिज़ाइन है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रियर प्रोफाइल देखेंगे तो वहाँ इसको अलग डिज़ाइन मिलती है। ये जो पीछे का थीम है काफ़ी यूनिक लग रहा है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी काफ़ी स्पेस मिलेगा आपको। टाटा अच्छे तरीके से स्पेस मैनेजमेंट करते हैं। हमने हेयर में भी देखा है गाड़ी काफ़ी बड़ी लग रही है। एंड वही इसके इंटीरियर की फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें एक फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलेगा विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड साथ ही इसका एक टीजर वीडियो लीक होकर आया है, उसमें आप नोटिस करेंगे तो इसमें एम्बियंट लाइट भी मिलती है जो कि इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से और कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। एंड साथ ही इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सीट्स की कंफर्ट काफ़ी अच्छी होने वाली है। ऑफकोर्स इट्स अ टाटा न्यू एज, टाटा की न्यू एज कार्स काफ़ी अच्छी बन रही है। एंड वहीं इस गाड़ी की जो टीजर वीडियो लीक हुई है उसमें लास्ट में गूगल ऐप का बटन आता है, मतलब या तो इस गाड़ी में कोई ऐप बेस्ड फंक्शनलिटी आएगी या फिर इस गाड़ी में कनेक्टिविटी वाली फीचर्स आएगी। तो इसके बारे में हमें लॉन्च के टाइम पे ही देखना पड़ेगा कि इस गाड़ी में क्या फीचर्स आते हैं। और बात करें तो क्योंकि हैचबैक है तो इसकी जो इंग्रेस एग्रेस है काफ़ी अच्छी होने वाली है। एंड एक वीडियो में ये भी लीक हो गया है कि इस गाड़ी के जो डोर्स है अप टू 90 डिग्रीज तक ओपन होंगे जो कि इंग्रेशन और एग्रेशन में काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो टाटा की कार्स काफ़ी अच्छी हो रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। इस गाड़ी में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद एबीडी, देन रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ये सब आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे एंड टॉप एंड में आपको मे बी ज़्यादा एयरबैग्स देने को मिले। तो मैंने आपको इस टाटा अल्ट्रोज के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन बता दी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस गाड़ी को लेके आप मेरे साथ कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ इस वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल रेसिपीज के रोज़ अप चलाता रहता हूँ। Thanks for watching. Until then, safe drive, long life.